Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही जो हमारे स्वतंत्रता जो समारोह होते हैं जिला स्तर के, तो जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लड्डुओं का जो वहाँ वितरण है, जो भी पटेल स्टेडियम में 26 जनवरी को जितने भी जो बच्चे आएंगे या पीटी वगैरह परेड के लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी जितने भी आएंगे उन सबको वहाँ पर लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। तो लगभग 13,000 लड्डू तो जिला प्रशासन के निर्देश पर हम वहाँ भेजेंगे पटेल स्टेडियम में, जो शिक्षा विभाग को हम शनिवार के दिन 25 तारीख को हैंड ओवर कर देंगे। इसके अलावा 3,000 लड्डू हमारे जो जेल है या कैदियों की उसमें सेंट्रल जेल पे जाएंगे और 300 लड्डू जाएंगे विशेष जो सिक्योरिटी जेल है वहाँ। इसके अलावा नगर निगम के जितने भी कर्मचारी जो अस्थायी सफाई कर्मचारी, स्थायी सफाई कर्मचारी, साथ ही हमारे जितने भी प्रकार की शाखाएँ उन सब में जो फ्लैग्स होते हैं हमारे, कम से कम 7-8 जगह फ्लैग्स का सिस्टम है और मूल हमारे जो कार्यालय में होगा, तो बाकी के हमारे कर्मचारियों के लिए तो लगभग 27,000 लड्डुओं का हमने आज ये निर्माण कराया, जिसके लिए हमने नगर निगम स्तर से ही यहीं हमारे कार्यालय में बैठे हुए हैं, तो हमने टेंडर करके हलवाई कराया और जो भी सामान है करीब 1100 किलो सामान जो है वो हमने अपना बाज़ार से परचेज किया, जिसमें पूरी शुद्धता और पारदर्शिता है, रेट की भी कोई इसमें किसी तरीके की समस्या नहीं है। और लगभग इस पर सवा दो से ढाई लाख के आसपास इस पर खर्चा आएगा। सीएमएचओ टीम भी आएगी? बिल्कुल, सीएमएचओ के हम बिल्कुल लेटर लिखते हैं, उनके द्वारा सैंपल हमारे ले जाते हैं, बना हुआ कच्चा दोनों तरह का सैंपल वो लेके जाते हैं, जिसका टेस्टिंग होकर हमारे पास वापस रिपोर्ट आती है। और आज करीब अभी 12:30 बजे सीएमएचओ की जो टीम आई थी उन्होंने हमारे यहाँ से सैंपल वगैरह लेकर के दिया।